जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट पेश होने से पहले मोबाइल के रेट्स डाउन से डाउन होते जा रहे थे और लोगों की पहुंच में आसानी से आते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद जितने भी मोबाइल थे उन सब की प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही थी। हर आने वाले नए दिन के अंदर किसी न किसी मोबाइल की प्राइस बढ़ती जा रही थी। तो इसी सीरीज में Xiaomi के भी जितने मोबाइल थे उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, जिन जिन डिवाइसेस के प्राइसेस बढ़े हैं उन तमाम मॉडल्स की डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई मोबाइल या उसका पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान हैदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर जितने भी Xiaomi के मॉडल्स की मैं डिटेल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इनका ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ है वो 25 जुलाई 2024 की जो नई प्राइस लिस्ट आई है उसके अंदर Xiaomi ने अपने जितने भी मॉडल्स थे उन सबके रेट चेंज किए हैं और वो यहां पर मेरे सामने अभी ओपन है। यहां पर जो सबसे पहला मॉडल है इनका वो है रेडमी का A3X जो कि 3GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Android 14 Go Edition के अंदर मिल जाता है आप लोगों को। बैक कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है प्लस 0.8 मेगापिक्सल का एक और सेंसर भी है, साथ में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इसमें 5000mAh की बैटरी है, 10 वाट की फास्ट चार्जिंग आप लोगों को मिल जाती है। ये मोबाइल जो पहले इसकी प्राइस थी वो 18,999 की थी जो कि अब चेंज होकर 20,999 की हो चुकी है। मतलब ये कि 19,000 से 21,000 रुपये हो चुका है, यानी कि आप लोगों को 2,000 रुपये ये मोबाइल अब महंगा मिलेगा पहले के निस्बतन 3/64 के अंदर। इसी के साथ यहां पर जो Redmi का A3 है 4GB रैम और 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट, अब ये जो मोबाइल है इसकी जो बैक साइड है वो बहुत ही खूबसूरत है, प्रीमियम मोबाइल फील होता है। अब ये मोबाइल जो है ये भी Android 14 के साथ आता है लेकिन गो एडिशन है इसके अंदर भी, और साथ ही साथ इसके अंदर 720p का डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता था, 4GB रैम थी और 64GB मेमोरी थी। इसमें 128GB वाला वेरिएंट भी आता है। बाय द वे इसका जो 128GB वेरिएंट है इसकी नाउ जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो 25,999 है। ये मोबाइल भी Android 14 Go Edition के साथ आता था, 720p इसका डिस्प्ले है और साथ ही साथ इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आप लोगों को मिल जाता था, 6.7 इंच इसका डिस्प्ले था, बैक 8 मेगापिक्सल, फ्रंट 5 मेगापिक्सल था और 5000mAh बैटरी के साथ 10 वाट की इसकी फास्ट चार्जिंग थी। ये मोबाइल जो है पहले इसकी जो प्राइस थी 4GB 64GB वाले वेरिएंट की मैं अभी बात करूं इस टाइम के ऊपर तो उसकी प्राइस थी 20,999 रुपए, यानी कि 21,000 रुपए। अभी जो इसकी प्राइस हो चुकी है प्राइस टैग बढ़ने के बाद वो है 23,999 यानी कि 24,000 रुपए के अंदर, यानी कि ये वाला जो मोबाइल है ये आप लोगों को 3,000 रुपए महंगा मिलेगा। पहला मोबाइल मैंने आप लोगों को बताया था वो A3X था, वो 2,000 रुपए महंगा हुआ था। ये वाला मोबाइल है ये 3,000 रुपए महंगा हुआ है 4GB 64GB वाला। अब इसी में एक और वेरिएंट भी आता है जिसके सेम स्पेक्स हैं, सिर्फ जो मेमोरी है वो 128GB वाली इसके अंदर जो है मेमोरी की चिप लगाई गई है। यहां पर जो 128GB वाले वेरिएंट की पुराने की प्राइस थी वो 22,999 थी यानी कि 23,000 रुपए, अभी की जो इसकी प्राइस है वो 25,999 यानी कि 26,000 रुपया, यानी कि इस मोबाइल का भी 3,000 रुपया रेट बढ़ा दिया गया है पहले के रेट के निस्बतन। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं Redmi 13C की जो कि बहुत ज्यादा सेल हुआ है क्योंकि इस प्राइस टैग के अंदर, इस स्पेसिफिकेशन के अंदर और जहां पर दीगर कंपनीज दे रही थी जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है उसके मुकाबले में ये अच्छी क्वालिटी में ये वाला फोन जो है इस प्राइस टैग के अंदर सबसे सस्ता आ रहा था, जिसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो इस चैनल के ऊपर मौजूद है, डेफिनेटली उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं, एक 4GB और 128GB वाला है और दूसरा 6GB 128GB वाला, यानी कि सिर्फ रैम का फर्क है, मेमोरी सेम है, बकाया स्पेक्स सेम है, सिर्फ रैम का फर्क पड़ता है 4GB और 6GB, इनके 2GB रैम का फर्क पड़ जाता है बीच में। अच्छा, इन दोनों में Android 13 OS आता है जो कि बाद में अपडेट के बाद Android 14 के अंदर स्विच हो जाता है। इसमें भी 720p का डिस्प्ले है, 90Hz की इसकी रिफ्रेश रेट, 600Hz की पीक ब्राइटनेस थी और 5000mAh की बैटरी के साथ साथ इसके अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग थी। डब्बे के अंदर 10 वाट का चार्जर आता है लेकिन इस जो सपोर्ट करता है ये मोबाइल 18 वाट की फास्ट चार्जिंग तक को सपोर्ट करता है। बैक 50 मेगापिक्सल, फ्रंट 8 मेगापिक्सल ये इसमें कैमरास थे और बकाया साथ में 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा भी था, 0.28 मेगापिक्सल का जो है वो सेंसर भी था। अब ये मोबाइल 26,000 रुपए के अंदर आता था, यानी कि 25,999 जो कि 23-24,000 रुपए के अंदर अंदर मार्केट के अंदर से मिल जाता था। अब भी इस टाइम पे जो इसके प्राइस टैग बढ़ चुका है वो 26,000 रुपए से चेंज होकर 29,000 रुपए का हो गया, यानी कि 28,999 यानी कि 3,000 रुपए इसके अंदर मजीद इजाफा हो गया इस 4GB 128GB वेरियंट के अंदर। यहां पर बात की जाए 6GB 128GB वेरियंट की तो वहां पर इसका पुराने का जो रेट था वो 28,999 रुपया था। अभी का Redmi 13C 6GB 128GB का जो मार्केट के अंदर लेटेस्ट रेट चल रहा है वो है 31,999 यानी कि 29,000 रुपए से 32,000 रुपए का ये मोबाइल हो चुका है, यानी कि इसमें भी 3,000 रुपए इजाफा हो चुका है। अब यहां पर इनका जो अगला मॉडल है वो है Redmi 13
ना सी है, ना प्रो है, ना नोट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेडमी 13 इसका नाम था, जिसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक 8/128 के साथ आता है और दूसरा इसका वेरिएंट है वो 8/256 के साथ आता है, और दोनों की बकाया स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ मेमोरी का डिफरेंस है, पंच होल कैमरा है इसके अंदर, एंड्रॉइड 14 OS इसके अंदर आता है, आउट ऑफ द बॉक्स 6.8 इंच डिस्प्ले इसका साइज है, 1080x2400 पिक्सल इसकी जो रेजोल्यूशन है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 108MP का बैक कैमरा प्लस 2MP का एक और कैमरा मिल जाता है, साथ ही साथ फ्रंट कैमरा जो है वो 13MP का यहाँ पर मिल जाता है, और इसी के साथ साथ इसकी जो बैटरी है वो 5030mAh की बैटरी है और 33W की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है मोबाइल। अब इस मोबाइल की जो पुराने की प्राइस थी 8GB 128GB वाले वेरिएंट की वो थी 39,999 यानी कि 40,000 रुपया, अभी की जो इसकी प्राइस होगी है वो 42,999 यानी कि मतलब 43,000 रुपए की, यानी कि 3,000 रुपया इसके अंदर मजीद इजाफा हो चुका है। इसी के साथ जो इसका अगला वेरिएंट आता है 8GB 256GB वाला Redmi 13, उसकी जो प्राइस थी वो 42,999 थी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब 47,999 यानी कि 48,000 रुपये का ये मोबाइल हो चुका है, जो कि 43,000 का आया करता था, बाद में डिस्काउंट अलग से हो जाता था, अब 43 के अंदर 44, 45, 46, 47, 48 यानी कि 5,000 रुपये का डिफरेंस आ गया जी, मतलब पीछे 3,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पर इकट्ठा 5,000 रुपये का डिफरेंस डाल दिया गया है Redmi 13 8GB 256GB वेरिएंट के अंदर, यानी कि अगर आपको 128GB मेमोरी नहीं चाहिए, 256 चाहिए, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब यहां पर जो अगला मॉडल आ जाता है Redmi का वो है Redmi Note 13, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें एक 8GB 128GB वाला वेरिएंट है और एक जो अगला वेरिएंट है वो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, ये दो अलग अलग वेरिएंट आते हैं, बकाया सेम स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ जो है मेमोरी का डिफरेंस है, इसमें एंड्रॉइड 13 OS जो है आउट ऑफ द बॉक्स आता है, बाद में अपडेट के बाद जो है अगला वर्जन आ जाता है इसके अंदर, इसके साथ साथ जो इसका साइज है वो 6.67 इंच इसका डिस्प्ले का साइज था, रेजोल्यूशन इसकी 1080x2400 पिक्सल थी और 120Hz रिफ्रेश रेट था और साथ ही साथ 1800 nits की पीक ब्राइटनेस थी इसके अंदर, साथ में UFS 2.2 की स्टोरेज थी इसके अंदर। बैक कैमरा की यहां पे बात की जाए तो 108MP था प्लस 8MP प्लस 2MP का इसके बैक कैमरा से, फ्रंट जो इसका कैमरा था वो 16MP था यानी कि 16MP, और इसी के साथ साथ इसके अंदर 5000mAh की बैटरी और साथ ही साथ 33W की जो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी आया करती है। इसका जो पुराना रेट था वो 49,999 था यानी कि 50,000 रुपया, अभी का जो इसका रेट है वो 53,000 रुपया हो गया यानी कि 52,999 रुपया, 52,999। इसी का जो अगला वेरिएंट इसका भाई है वो है 256GB वाला वेरिएंट 8GB 256GB, उसकी पुराने की प्राइस थी 54,999, अभी इसकी जो प्राइस हो चुकी है वो 58,000 हो चुकी है यानी कि 57,999 यानी कि 3,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर Redmi 13 की बात की जाए तो वहां पर 128 और 256 के दरमियान 5,000 रुपये का डिफरेंस है और यहां पर Redmi Note 13 के दरमियान सिर्फ 3,000 रुपये का डिफरेंस है 8GB और 128GB और 256GB के दरमियान। अब यहां पर बात करते हैं Redmi Note 13 Pro की, जो कि सबसे ज्यादा सेल होने वाला मोबाइल है इनका Redmi का। इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं, एक वेरिएंट आता है 8GB 256GB, दूसरा वेरिएंट आता है 12GB 256GB। इसके अंदर G99 अल्ट्रा का चिपसेट है, इसके अंदर एंड्रॉइड 13 OS आता है जो कि अपडेट के बाद एंड्रॉइड 14 के अंदर स्विच हो जाता है। इसके अंदर 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आ जाता है और साथ ही साथ कॉर्नियर गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। 120Hz रिफ्रेश रेट है, 1300 की पीक ब्राइटनेस है यहाँ पर नीट्स की। UFS 2.2 की स्टोरेज है, 200MP का बैक कैमरा है, उसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, फिर 2MP का फ्रंट इसका जो है वो 16MP का कैमरा है। बकाया इसके अंदर 67W की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। इसकी जो पुराने की प्राइस थी 8256 की वो थी 69,999 यानी कि 70,000 रुपये, बकाया डिस्काउंट 2-3-4,000 रुपये इसके अंदर अलग से मिल जाता था। अभी इसके जो प्राइस टैग हो चुका है वो है 74,999 यानी कि 75,000 रुपये, 5,000 रुपया इसका रेट बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ जो इसका अगला मॉडल है 12GB रैम और 512GB मेमोरी, इसकी जो प्राइस थी पुराने की वो थी 84,919 यानी कि 85,000 रुपये की और मिल जाता था मार्केट से 78,000 रुपये के दरमियान कहीं पे, ठीक है। और अभी का जो इसका रेट बढ़ चुका है वो बढ़ चुका है जी 89,999 यानी कि
5000 रुपए इसका रेट जो है वो मजीद बढ़ चुका है। पहले 85 रेट था, अब 90 रेट हो चुका है। तो ये थे जी Xiaomi के लेटेस्ट मॉडल जिनके प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और मोबाइल गरीब की पहुंच से फिर से एक दफा दूर हो चुका है। अब ये सिर्फ Xiaomi की बात मैं नहीं कर रहा, इसके अलावा जितने भी मोबाइल हैं सबके रेट तकरीबन ऑलमोस्ट बढ़े हुए हैं। जिनके नहीं भी बढ़े वो आजकल की डेट में डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, क्योंकि पुराना स्टॉक पड़ा होता है उसका वही रेट होता है, जैसे ही नया स्टॉक आता है तो उसकी प्राइस टैग जो है उसमें इजाफा हो जाता है। तो अगर आप लोग उन तमाम मोबाइल्स की भी अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं, लेटेस्ट रेट हासिल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो फोन से रेलेवेंट आए तो मोबाइल से रेलेवेंट आए तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं मोबाइल्स की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।